क्वाड्रेटिक जिसके राइट हैं रोबर्ट विली। प्यारे बच्चों हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर के अंदर हमारी फर्स्ट वीडियो है, तो देखिएगा क्या कहते हैं लेखक फॉरगेटिंग के बारे में, भुलक्कड़पन के बारे में। अ लिस्ट ऑफ पार्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स, ए लिस्ट ऑफ पार्टिकल यानी कि सामानों की सूची, लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स रेलवे यात्रियों द्वारा खोए हुए, एंड नाउ ऑन सेल एट ग्रेट लंदन स्टेशन हैज बीन पब्लिश्ड। अर्थात रेल यात्रियों द्वारा बुलाए गए सामानों की लिस्ट जो कि ग्रेट लंदन स्टेशन पर बिक्री के लिए रखे गए हैं प्रकाशित हो चुकी है। फिर से देखिए, रेलवे यात्रियों द्वारा खोए गए सामानों की सूची प्रकाशित हो चुकी है जो कि अब लंदन के बड़े स्टेशन पर बिक्री के लिए रखे गए हैं। एंड मैनी पीपल और बहुत से लोग हू रीड इट जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा हैव बीन एस्टोनिश्ड एट दैट एंड माइंडेड ऑफ देयर फेलोज। बहुत से लोग जिन्होंने भी इसके बारे में पढ़ा वो अपने दोस्तों की अपने मित्रों की भुलक्कड़पन की आदत पर आश्चर्यचकित हैं। इफ स्टैटिक्स रिकॉर्ड, यदि आंकड़े देखे जाए यानी कि आंकड़े बताते हैं, वर अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, यदि इस विषय पर आंकड़े उपलब्ध हो, आंकड़े मौजूद हो, तो हाउएवर आई डोंट डाउट वेदर इट वुड बी फाउंड दैट एब्सेंट माइंडेडनेस इज कॉमन। तब मुझे संदेह है यानी कि मुझे आशंका है कि भुलक्कड़पन एक सामान्य चीज ही मालूम पड़ती है, यानी कि भूलना तो एक सामान्य सी बात हो गई है। इट इज द एफिशिएंसी रेदर देन द इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी दैट कंपेल्स माय वंडर। जो यह योग्यता नहीं यानी कि यह इंसानी मस्तिष्क की अक्षमता है न कि अयोग्यता, और यही बात मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए बाध्य करती है। अर्थात क्या बताया गया कि यह इंसानी मस्तिष्क की यानी कि मनुष्य के मस्तिष्क की अक्षमता है न कि अयोग्यता जो मुझे आश्चर्यचकित करने के लिए बाध्य करती है। देखिएगा मॉडर्न मैन रिमेम्बर्स इवन टेलीफोन नंबर्स, बहुत से लोग यानी कि आधुनिक लोग आधुनिक व्यक्ति रिमेम्बर्स याद रखते हैं एवन टेलीफोन नंबर फोन नंबर भी, ही रिमेम्बर द एड्रेस ऑफ फ्रेंड्स, वे अपने मित्रों के एड्रेस पते भी याद रखते हैं, ही रिमेम्बर द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, वे अच्छी यानी कि अच्छे दिनों की तारीखें भी याद रखते हैं गुड विंटेज, ही रिमेम्बर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर, वे लंच यानी कि रात भोज और दिन के भोजन का कार्यक्रम भी याद रखते हैं, His memory is crowded with the names of actor actress, उनकी मेमोरी उनकी याददाश्त एक्टर यानी कि अभिनेता अभिनेत्रियों के नामों से भरी हुई है, एंड क्रिकेटर्स के एंड फुटबॉलर्स एंड मर्डरर्स और हत्यारों की, यानी कि उनकी जो याददाश्त है वह नायक नायिकाओं क्रिकेटर्स तथा फुटबॉलर्स तथा हत्यारों के नामों से खचाखच भरी हुई है। He can tell you what the weather was like in Rome past August. वह तुम्हें बता सकते हैं कि पिछले अगस्त में मौसम कैसा था, यानी कि पिछले अगस्त में मौसम का हाल भी बता सकते हैं, and the name of provincial hotel at which he had while meal during the summer. और वे उस गर्मी के समय में उस कौन से क्षेत्रीय होटल में वह रुके थे उस होटल का नाम भी बता सकते हैं जहां उन्होंने क्या किया दैट विच ही हैड अ मील वाइल मील ड्यूरिंग द समर, जहां ग्रीष्म ऋतु के दौरान उन्होंने बुरा भोजन किया था यानी जहां का भोजन अच्छा नहीं था। वाइल मील की बात की गई है इसमें, वाइल मील इन द ऑर्डिनरी लाइफ सामान्य जीवन में, अगेन ही रिमेम्बर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ही इज एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर, प्रत्येक व्यक्ति उस बात को याद रख सकता है जिससे उसे याद रखने की आशा की जाती है। अर्थात अपने सामान्य
सामान्य जीवन में वह ज्यादातर याद रखी जाने वाली बातों को याद रख सकता है। How many men in all London store get a single item of clothing, wear and dressing in the morning? पूरे लंदन में ऐसे कितने लोग होंगे जो सुबह कपड़े पहनने के दौरान अपना कोई कपड़ा पहनना भूल जाते हैं? Not one in hundred, यानी कि 100 में से भी कोई नहीं। Perhaps no one in 10,000, शायद 10,000 में से भी कोई नहीं। How many of them, उनमें से कितने लोग forget to shut the front door, अपने घर का आगे वाला गेट का यानी सामने का दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं, मुख्य दरवाजा लगाना भूल जाते हैं। When leaving the house, जब वे घर से चलते हैं। Scarcely more, मुश्किल से ही कोई, यानी कि शायद कोई नहीं। And so it goes on through day, और ऐसा पूरा दिन चलता रहता है। Almost everybody remembering to do the right things at right moment, लगभग प्रत्येक व्यक्ति सही समय के लिए सही समय पर सही चीज को याद रख सकता है, सही समय पर सही काम करना होता है, यानी कि सभी लोग याद रखते हैं कि सही समय पर सही काम करना होता है। Till it is time to go to bed, जब तक बिस्तर पर जाने का समय होता है। And the ordinary man seldom forgets to turn off the lights before going upstairs, और इसके बावजूद एक साधारण व्यक्ति सारी बत्ती यानी कि लाइट बंद करना भूल जाता हो जब वह ऊपरी मंजिल पर जा रहा हो। अर्थात ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा, साधारण सा व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो ऊपर जाते समय अपनी लाइट को बंद करना भूल जाए। तो प्यारे बच्चों, पैसेज एक आप लोगों ने पढ़ा है, पैसेज वन, पैसेज टू के लिए हम कल पढ़ेंगे पैसेज टू एंड थ्री। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।